अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायल क्लासेस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यूज रिलेटेड टू लेक्चर नंबर 4, एमसीक्यूज रिलेटेड टू मोल कैलकुलेशंस। एम नाम नजीर चैनल में मैं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। तो जो टॉपिक्स हमने पहले स्टडी किए थे उन टॉपिक्स में से आज हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अब एनएमडी कैट, ई कैट, नम्स, ईटा, जिसमें जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, तो वो एमसीक्यूज कैसे आपने सॉल्व करने हैं, उन एमसीक्यूज में ट्रिक्स कौन सी यूज होती हैं। हमने इससे पहले जो जो टॉपिक स्टडी किए उन टॉपिक्स में से मोल कैलकुलेशन में आपके पास मास फाइंड करना, मोल्स फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना, फिर कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करके आप कैसे कन्वर्जन करोगे, फिर आप मॉलिक्यूलर आयन क्या चीज है, आपके पास फ्री रेडिकल क्या है, ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स थे उससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज को स्टडी करते हैं। तो हम आज सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर आयन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर आयन। अब सबसे पहले आपको ये बताऊं, आयन जो है इट इज एनी चार्ज स्पीशी। आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल है, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज है तो हम उसको आयन कहते हैं। अब आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से भी बन सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से भी बन सकता है। अब जो हमारा पहला एमसीक्यूज था कि विच वन इज अ मॉलिक्यूलर आयन, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है That is NH4+, जो B option है that is NH3+, C option है हमारे पास H3O+, और D option है हमारे पास SO4-2। अब वो कह रहा है कि इन चारों में से आपके पास मॉलिक्यूलर आयन कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आयन इज दैट स्पीशी विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी स्पीशी है अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज करे उससे जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा या जो उससे आयन बनेगा उसको हम यहां पे स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं NH4 की। अब देखो यहां पे NH4 को हम अगर सिंपल कंसेप्ट से देखें, NH4 भी मॉलिक्यूलर आयन है, NH3 भी मॉलिक्यूलर आयन है, H3O भी मॉलिक्यूलर आयन है, और SO4-2 भी मॉलिक्यूलर आयन है, लेकिन फर्क इन चारों में से मेन NH3 या H3O या SO4 कोई भी ऑप्शन यहां पे हो सकता है। तो हम देखेंगे कि रीजंस के साथ कि इन चारों में से आपके पास मॉलिक्यूलर आयन कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं NH4+ की। अब याद रखना NH4+ आपको मिलेगा NH4Cl से। आपके पास H3O+ मिलेगा जब वाटर जो है एक हाइड्रोजन को गेन करेगा, फिर SO4 आपके पास आएगा H2SO4 से, तो +2 और -2। अब ये जो मैंने कुछ चीजें लिखी, अब NH4Cl मॉलिक्यूलर आयन इसलिए कंसिडर नहीं किया जा सकता इस केस में कि यहां पे ये एक मॉलिक्यूल से आपके पास आया, आयनाइजेशन से आया। किससे आया? आयनाइजेशन से। ये भी आपके पास आयनाइजेशन से आ गया, फिर ये भी आपके पास आयनाइजेशन से आया।
अब यहां पे जो लास्ट वन है विच इज NH3, अब NH3 पे गौर करो तो NH3 ने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। तो यहां पे NH3 जो है वो मॉलिक्यूलर आयन है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, NH3। NH3 इज मॉलिक्यूलर आयन। रीजन कि यहां पे NH4Cl आयनाइजेशन हुई, H3O की आयनाइजेशन हुई, XO4 आपके पास आयनाइजेशन से आया, अब जो NH3 है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से आया। तो यही मैंने पहले डिफाइन किया था कि आयन इज दैट स्पीशी विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे NH3 ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो NH3 क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, यहां पे आप इसका रिएक्शन देख लें, NH3 is a molecule, it loses its electron and converted into NH3 positive. So the correct answer is NH3. So in following ion, this NH3 is molecular ion. So which one of the following is molecular ion? So aap kahoge NH3. Kya kahoge yahan pe? NH3. नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन वन मोल ऑफ स्टेटेड पार्टिकल, क्या है हमारे पास MCQs कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन वन मोल ऑफ स्टेटेड पार्टिकल। अब सबसे पहले आप इस वर्ड को समझें, व्हाट इज स्टेटेड पार्टिकल। द स्टेटेड पार्टिकल मींस द नंबर ऑफ एटम्स, स्टेटेड पार्टिकल्स मीन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड और एटम, या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एटम कोई भी आपके पास यहां पे हो सकता है, इसको कहते हैं स्टेटेड पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं, स्टेटेड पार्टिकल। और याद रखना स्टेटेड पार्टिकल हमेशा किसकी इक्वल होते हैं, 6.023 into 10^23 एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। अब जो हमारे पास यहां पे ऑप्शन है, द फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 गैस। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन आयन इन 1 dm³ ऑफ, हाइड्रोजन आयन इन 1 dm³ ऑफ बी, हाइड्रोजन आयन इन 1 dm³ ऑफ 1 mole पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, 1 mole पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड वन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। और डी ऑप्शन है हमारे पास, द डी ऑप्शन इज नंबर ऑक्सीजन एटम इन 22.22 में हमारे पास के ऑक्सीजन एटम्स इन 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब
यहां पे मैंने पहले कहा स्टेटेड पार्टिकल, तो स्टेटेड पार्टिकल आपके पास कोई भी एटम मौजूद हो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर या एलिमेंट के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, ये हमारे पास क्या था, पहला ऑप्शन था। अब यहां पे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है मतलब Cl2, एक Cl का जो मास है वो 35.5 है, दिस इज मास ऑफ 1 Cl। अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट होता है Cl2 के ऊपर, तो एक क्लोरीन का मास इतना है, तो दो क्लोरीन का मास हो जाएगा आपके पास 71 आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम 70 को देखें तो 70 आपके पास 2 मोल आएगा, 70 कितने आ जाएगा 2 मोल। तो वहां पे उसने ऑप्शन में क्या कहा, उसने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, 1 मोल ऑफ स्टेटेड पार्टिकल। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल क्योंकि दो क्लोरीन एलिमेंट से एटम से मिलके बना है तो 35.5 ग्राम नहीं बल्कि यहां पे इसका डबल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यहां पे करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात वो कर रहा है, हाइड्रोजन आयन इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4। अब याद रखना, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड डेजोल्यूशन होती है, आयनाइजेशन होती है, तो वो एक H पॉजिटिव नहीं देता, वो बल्कि कितने H पॉजिटिव देता है, 2 H पॉजिटिव। अब जब आपके पास 2 H पॉजिटिव ये देगा तो ये वाली स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हो ही नहीं सकती। रीजन ये है कि उसने 1 मोल पर डेसीमीटर को H2SO4 कहा, तो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 जो है वो आपके पास 2 हाइड्रोजन आयन देता है। इसका मतलब है यहां पे 2 अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो ये आपके पास एंटिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी यहां पे करेक्ट नहीं है। ऑक्सीजन एटम्स इन 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब यहां पे जो डी ऑप्शन है इसकी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन एटम आपके पास आ जाएगा ओ, और यहां पे जो उसकी बात कर रहा है वॉल्यूम की तो वो O2 की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, O2 की, तो ये आपके पास हाफ हो जाएगा, जो ये एंटिटी है ये क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो फिर भी 1 मोल नहीं आ सकता। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब याद रखना यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, यहां पे हमने मास का जिक्र नहीं किया, किसका जिक्र नहीं किया, मास का। अगर हम मास की बात करें तो फिर ये 2 आएगा आपके पास, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की तो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस केस में यहां पे ए, अगर आपके पास 1 ग्राम है, 1 ग्राम का मतलब है 1 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन गैस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 मोल की इक्वल होंगे, किसकी इक्वल होंगे, 1 मोल की, क्योंकि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की। यहां पे जो मास कंसिडर किया ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यहां पे जो हमने कंसिडर किया ये वॉल्यूम है उसका, उसमें आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या आपके पास कोई भी वॉल्यूम एसटीपी पे आ सकता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। यहां पे वो बात कर रहा है हाइड्रोजन आयन इन 1 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन देता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो जब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस आप यूज करोगे तो उसमें हाफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ। तो H2 जो है इस गैस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 मोल के इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 मोल के। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस वो इक्वल है 1 मोल ऑफ स्टेटेड पार्टिकल, 1 मोल ऑफ स्टेटेड पार्टिकल। ये हमारे पास हो गए 2 MCQs, ये हमारे पास क्या हो गए, 2 MCQs। अब हम थर्ड MCQs की तरफ जाते हैं। थर्ड MCQs हमारे पास
आ जाएगा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, थर्ड एमसीक्यूज क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन हमारे पास है यहां पे 0.25, बी ऑप्शन है हमारे पास 0.50, सी ऑप्शन है हमारे पास 1.0 और डी ऑप्शन है 1.50। अब वो पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उस वक्त कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के, जब हम ऑक्सीजन का मास यूज करेंगे 16 ग्राम। सबसे पहले यहां पे आप इक्वेशन देखो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे अगर हम इक्वेशन को रीड करें तो वन मोल ऑफ कार्बन, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास के टर्म में अगर हम इसको लिखें तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन यहां पे दो हैं तो 16 प्लस 16 32, तो ऑक्सीजन का मास यहां पे कितना हो गया 32 ग्राम। के इक्वेशन के मुताबिक 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा कि हमारे पास अगर 32 ग्राम हो किसके, ऑक्सीजन के, तो वो वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इक्वेशन हमें ये शो कर रही है। तो क्वेश्चन में उसने कहा कि अगर ये ऑक्सीजन 16 ग्राम हो, कितना हो 16 ग्राम हो, तो कितने मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहां से क्लियर हो सकता है कि ये वन मोल 32 ग्राम के बराबर है, तो यहां पे अगर हाफ मोल लू में तो हाफ मोल किसकी इक्वल हो जाएंगे 16 ग्राम। तो जब ये हाफ हो जाएगा तो ये भी आपके पास क्या होना चाहिए, हाफ मोल हो जाना चाहिए। तो क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ऑक्सीजन अगर मैं हाफ करता हूं कि ऑक्सीजन के यहां पे मैं हाफ मोल यूज करता हूं, मतलब 16 ग्राम यूज करता हूं, तो हमारे पास हाफ मोल किसके बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 0.25 भी ऑप्शन नहीं हो सकता, 0.5 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है हाफ मोल, क्योंकि 1 तो आपके पास 32 ग्राम होगा तब होगा, 1.5 तो जब इसको डबल करेंगे। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 0.5 कि अगर मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज किया तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, और अगर मैं इस ऑक्सीजन के मोल्स को हाफ कर दूं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन फैक्टर ये बताता है इसके मोल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी क्या हो जाएंगे आपके पास, हाफ हो जाएंगे। अब यहां पे आप अगर कन्वर्जन फैक्टर लगाते हो तो सबसे पहले आप इसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे, मोल्स के बाद फिर आप इनको आपस में कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन के बाद आपके पास आंसर हाफ मोल ही आएगा। तो आप इक्वेशन से देख लो कि 32 ग्राम अगर वन मोल बना रहा है तो हाफ जो मास हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो लाजमी बात है कार्बन डाइऑक्साइड को हाफ कर देगा। तो ये था हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज। अब हम जाते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज की तरफ, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, द मास ऑफ वन मोल ऑफ O2। O2 का अगर वन मोल हो तो उसका मास आपके पास कितना होगा, हमारे पास ये वन मॉलिक्यूल
क्या है हमारे पास, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वही O2 आ गया। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एवोगैड्रोज नंबर डिवाइडेड बाय 32, एवोगैड्रोज नंबर डिवाइडेड बाय 32। बी ऑप्शन है हमारे पास 0.32 ग्राम, 0.32 ग्राम। सी ऑप्शन है हमारे पास 32 ग्राम, 32 ग्राम। और डी ऑप्शन है हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर। अब वो पूछ रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का हो तो उसके अंदर कितने मास होंगे। तो यहां पे आप सीधा ध्यान में रखो कि आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, तो हमने इसका मास फाइंड करना है। अगर हम ऑक्सीजन के मोलर मास को, ऑक्सीजन के मोलर मास को देखें तो वो 32 ग्राम है। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर को मास से डिवाइड करता हूं तो ये आपके पास क्वेश्चन करेक्ट नहीं आ सकती। अब हम मास फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां से आप इसके मोल्स कैलकुलेट करोगे, तो अगर मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए तो आप इसके जो फार्मूला है मास इनटू मोलर मास का, उससे कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखनी है, ये आपके पास कन्वर्जन जो है ये लॉन्ग कन्वर्जन है, तो हम अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें तो वो कह रहा है कि मास जो है एक मॉलिक्यूल का कितना होगा। तो आप एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, वो उसका 32 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें पता है कि वन मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल का यहां पे मास निकालूं तो आप कंसिडर करें कि ये जो 32 है, ये 32 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ये क्या है, 32 मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां पे जो 32 मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से हमने एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का हमने मास मेजर करना है। तो जब हम एक मॉलिक्यूल का मास मेजर करेंगे तो हम डायरेक्टली जो 32 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास आएगा। That will be the mass of one molecule of oxygen. One molecule of oxygen. So the correct option is D. Mass divided by Avogadro's number. 32 हो ही नहीं सकता क्योंकि 32 ग्राम जो है वो एक ऑक्सीजन का है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नहीं है। 0.32 आपके पास यहां पे इसका ऑप्शन इसलिए नहीं बन सकता कि 0.32 आपने इसको 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि एक ऑक्सीजन के अंदर 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहूं तो मैं 32 को डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो एक मॉलिक्यूल का मास हमारे पास आ जाएगा। तो दिस वन वॉज द फोर्थ MCQs, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ मोल ऑफ Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाफ मोल ऑफ Na पॉजिटिव। The number of electrons in half mole of Na positive या Na positive हम यहाँ पे कोई भी consider कर सकते हैं, तो Na positive। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल ऑफ Na, जो ऑप्शन दिए गए हमारे पास, एक है 10, ए ऑप्शन है हमारे पास 10, बी ऑप्शन है हमारे पास
सी ऑप्शन है 5.5 मल्टीप्लाई बाय एन ए एवोगैड्रोस नंबर, और लास्ट ऑप्शन है 5 × NA। सबसे पहले आप सोडियम की तरफ जाओ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आर 11। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, और जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na पॉजिटिव हो जाएंगे 10। Na पॉजिटिव क्या हो जाएंगे 10। ये 1 मोल है, ये क्या आपके पास 1 मोल है। अब यहां पे गौर करो, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, मतलब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। जब भी आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हो तो एवोगैड्रोस का रिलेशन आप लाजमी देखते हो, एवोगैड्रोस नंबर का रिलेशन आप लाजमी देखते हो। अब यहां पे 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल ऑफ Na पॉजिटिव इज इक्वल टू 5। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन इसलिए नहीं कर सकते कि आप यहां से कैसे कैलकुलेट करोगे कि 5 इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, नहीं। यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम पार्टिकल्स कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेटेड पार्टिकल्स, तो स्टेटेड पार्टिकल्स जब भी आएंगे तो याद रखना आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से लाजमी मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे या आप उसकी कोई भी और रिलेशन देख सकते हो। अब यहां पे वो ऑप्शन दे रहा है 10 तो आपके पास सीधा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी सोडियम आयन के अंदर। 5 अगर हम लेते हैं यहां पे तो 5 आपके पास बेशक हाफ मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो स्टेटेड पार्टिकल है ये क्या आपके पास स्टेटेड पार्टिकल है तो इसका एवोगैड्रोस के साथ रिलेशन जरूरी है। 5.5 नहीं तो हाफ इलेक्ट्रॉन तो कभी भी कहीं पे भी नहीं देखा गया। और लास्ट वन है 5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब 5 आपके पास हाफ मोल के इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टेटेड पार्टिकल्स के साथ, मतलब एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, कि हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने फाइंड करने हैं सोडियम आयन के अंदर तो एक सोडियम के अंदर 11 आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर अगर सोडियम प्लस हो जाए मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया तो 10 हो गया। अब हाफ मोल की बात कर रहे हैं तो हाफ मोल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे मतलब 5 हो जाएंगे। अब क्योंकि ये स्टेटेड पार्टिकल है तो स्टेटेड पार्टिकल का रिलेशन एवोगैड्रोस से लाजमी किया जाता है, तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस के साथ तो हमारे पास यहां पे क्या आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1/2 मोल ऑफ सोडियम आयन के अंदर। ये हमारे होते हैं 5 MCQs। तो अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है MCQs नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज MCQs नंबर 6, which one of the following have empirical formula and empirical formula but no molecular formula वो कह रहा है कि जो following हमारे पास compounds elements जो भी मौजूद हैं उनका empirical formula तो है लेकिन molecular formula नहीं है। जो options यहां पे दिए गए एक है H2O, A option आ गया आपके पास H2O, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास C6
H6, C6, X6, तीसरा ऑप्शन सी H2O2 और डी ऑप्शन है हमारे पास NaCl। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? NaCl। अब ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स हमारे पास लिखे हुए हैं वो कह रहे हैं कि इनका एम्पिरिकल फार्मूला तो है लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। अब देखो, चले इसका तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मौजूद, इसका भी आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मौजूद, इन दोनों को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट दो ऑप्शन रह गए, H2O का कोई भी एम्पिरिकल फार्मूला पॉसिबल नहीं, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। NaCl का कोई भी आपके पास यहां पे जो एम्पिरिकल फार्मूला वो नहीं है, यही इसका क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब यहां पे आपने और इस चीज पे करना है कि वो पूछ ये रहा है कि इनका एम्पिरिकल फार्मूला तो है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। अब वाटर इज अ मॉलिक्यूल, वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है, और NaCl क्या है? फार्मूला यूनिट है। NaCl क्या है हमारे पास? फार्मूला यूनिट है। अब मैंने इन दोनों को फार्मूला यूनिट में और मॉलिक्यूल में कैसे डिवाइड कर दिया कि कोवलेंट बॉन्ड, जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे वो मॉलिक्यूल होते हैं, और जो भी आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, जो आयोनिक कंपाउंड होंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, वो फार्मूला यूनिट होंगे। वो क्या होंगे? फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट को या आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं करते, इनको हम मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं करते, और जो कोवलेंट बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन था बट नो मॉलिक्यूलर फार्मूला, वाटर तो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। NaCl आपके पास फार्मूला यूनिट है तो इसका कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, ना तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है ना ही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। लेकिन क्योंकि ये फार्मूला यूनिट है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल नहीं है आपके पास, तो इस वजह से हम यहां पे इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे डी को कि NaCl इज आयनिक कंपाउंड सो इट हैज फार्मूला यूनिट। तो यहां पे हम ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे कि NaCl डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, द ओनली रीजन इज इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड एंड इट इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट जो है आपके पास, जब भी हम देखेंगे तो आयनिक बॉन्ड वाले होंगे और उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, तो याद रखना लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जल्दी कंज्यूम हो जाता है, और दूसरा हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पे एक और एमसीक्यूज हम यहां पे देखेंगे कि 3 mole ऑफ कैल्शियम विल कंटेन -g ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कि हमारे पास अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज है 3 mole ऑफ कैल्शियम कंटेन -, 3 molecule कैल्शियम कंटेन -g ऑफ कैल्शियम, 3 moles ऑफ कैल्शियम कंटेन्स -g ऑफ कैल्शियम। ऑप्शन यहां पे उसने दिया हुआ है
ऑप्शन दिया हुआ है 105 ग्राम, ए 105 ग्राम, बी ऑप्शन है यहां पे 80 ग्राम, सी ऑप्शन है हमारे पास यहां पे 100 ग्राम, डी ऑप्शन है 120 ग्राम। अब वो पूछ रहा है कि अगर 3 मोल कैल्शियम हो तो कितने ग्राम होंगे। अब वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास और एटॉमिक मास। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है, दी एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम होता है आपके पास कैल्शियम का एटॉमिक मास। ओके, एक मिनट हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल से कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना है। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 20 नहीं बल्कि हमारे पास 40 ग्राम है। कितना है? 40 ग्राम। तो ये आ गया आपके पास 1 मोल। ये क्या आ गया? 1 मोल। कि 1 मोल जो हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम है उसका मास कितना है? तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम। कितना आ गया? 40 ग्राम। हमारे पास मोल्स कितने हैं? 3 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमने फाइंड क्या करना है? मास इन ग्राम। मोलर मास हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है। तो मास और मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 40। तो हम इसको यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 3 3 0 3 3 4 12, तो 120। द करेक्ट ऑप्शन इज 120 ग्राम। तो आप सीधा यहां से भी देख सकते हो कि कैल्शियम का आपके पास एटॉमिक मास मौजूद है, ठीक है, इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, वो 1 मोल के बराबर 40 ग्राम है, और यहां पे 3 मोल के बराबर डायरेक्टली आप क्या करो, 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर विल बी 120 ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 120 ग्राम हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन अक्सर यहां पे बाज पेपर्स में ये दिया जाता है कि वो आपको मास की वैल्यू देता है किस में? ग्राम्स में, किलोग्राम्स में। तो कह रहा है कि फाइंड मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमने फाइंड करने हैं और मास कितना गिवन है? मास हमें गिवन है 1.75 किलोग्राम, या हम यहां पे इसको सीधा कंसिडर कर लेते हैं 1 किलोग्राम। क्या कंसिडर कर लेते हैं? 1 किलोग्राम। कैलकुलेशन आपके पास सेम ही हो जाएगी। तो इस एमसीक्यूज के अंदर उसने आपसे मोल्स मांगे और मास आपको दिया हुआ है। हम सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास मेजर करेंगे। तो कैल्शियम का जो मास है, कैल्शियम का मास आ गया 40, एक ही है, प्लस कार्बन 12, प्लस ऑक्सीजन एक का 16, और यहां पे आपके पास कितने हैं? 3। तो 52 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास 18 और 48। क्या आंसर आएगा? 48। तो मोलर मास आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का है वो है 5, ये आपके पास आ गया 100। क्या आ गया? 100 ग्राम। यहाँ पे आप देख भी लो, 52 प्लस 48, 0, 1 कैरी, 6 और 4, 10, तो 100 ग्राम। अब फार्मूला वही है, नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन मास हमें किस में गिवन है, केजी में। मास हमें किस में गिवन है, केजी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केजी से इसकी कन्वर्जन करेंगे ग्राम के अंदर। अब 1 केजी को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं, याद रखना जब बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जाओगे, बड़ी से छोटी वैल्यू मतलब लार्ज वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ, स्मॉल वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया। तो मास इन ग्राम हमने फाइंड किया, दैट इज 1000 ग्राम। मोलर मास क्या है, 100 ग्राम पर मोल। अब ग्राम ग्राम से कैंसिल, इसके बाद ये 2 जीरो आप इस 2 जीरो से कैंसिल कर दो, तो मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 10 ग्राम, 10 मोल। मोल्स क्या आ जाएंगे, 10 मोल्स, क्योंकि मोल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे इसमें सिर्फ एक ही टेक्निकलिटी थी कि यहां पे जो टेक्निकलिटी है वो ये है कि अगर आपको मोल्स फाइंड करने हैं और मास आपको केजी में गिवन है, तो सबसे पहले आप मास को ग्राम में कन्वर्ट करें और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड मोलर मास में आप पुट कर दें, तो आपके पास आंसर आ सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर अभी तक आप लोगों ने MMNZ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारे जो टॉपिक्स हैं इसकी आपके पास नोटिफिकेशन आए और हमारे टॉपिक्स आप देख सकें, जो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे है तो वो अपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखें इसको, और इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।